हाँ तो नमस्कार प्यारे मित्रों, जेबी क्लासेस के ऑनलाइन मंच पर मैं सीएम चौधरी भरतपुर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच को ध्यान में रखते हुए हमारी ये सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें पूर्व की क्लास में हमने ऋण संधि को पढ़ा, आयादी के बारे में जाना, वृद्धि स्वर संधि चल रही थी उस पर हम विचार करते हैं। देखिएगा, वृद्धि स्वर संधि बोलो कौन सी संधि चलेगी? वृद्धि स्वर संधि, भैया वृद्धि स्वर संधि चल रही है, वृद्धि स्वर संधि कौन सी? वृद्धि स्वर संधि बोलो, क्लियर है? हाँ जी, वृद्धि स्वर हो संधि। वृद्धि स्वर हो संधि बोलो, क्लियर? हाँ जी, तो वृद्धि स्वर संधि में हम बात करते हैं। क्या आपको पता है कि संधि में दो पद होते हैं, एक तो धन के पहले होता है और एक धन के बाद में होता है। एक धन के पहले होता है और एक धन के बाद में होता है। एक धन के पहले होता है और एक धन के बाद में होता है, बोलो क्लियर है? हाँ जी बोलो क्लियर। तो संधि का नियम कहाँ लगेगा? प्रथम के अंत में और दूसरे के पहले में। प्यारे प्रतियोगियों, संधि का नियम लगता है प्रथम के अंत में और दूसरे के पहले में। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या आएगा? वृद्धि स्वर संधि में प्रथम पद के अंत में ए या आ में से कोई एक वर्ण आएगा, बोलो क्लियर है? इन दोनों में से कोई एक आएगा वृद्धि स्वर संधि में। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, हम कैसे पता लगाएंगे कि छोटा आएगा या बड़ा? याद रखना प्यारे मित्रों, जो अर्थवान शब्द होता है वह आएगा, चाहे वो अर्थवान छोटे ऐसे बनता हो और चाहे वह बड़े ऐसे बनता हो, बोलो क्लियर है? और दूसरे पद की शुरुआत में क्या आएगा? दूसरे पद की शुरुआत में आएगा ए या एम से कोई एक वर्ण। और वही स्थिति है, ए आएगी या ए आएगी, तो जो अर्थवान शब्द बनाएगा वह या ए आएगा या ए आएगा, बोलो क्लियर? हाँ जी, तो प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक, दूसरे पद में के प्रारंभ में इन दोनों में से कोई एक, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ए, ये वाले ए बनाएंगे। कहने का मतलब है प्रथम पद के अंत में ये दो मात्राएं लगाएंगे, प्रथम पद के अंत में ये दो मात्राएं लगाई जाएंगी, जी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं, दूसरी स्थिति की, तो प्रथम पद के अंत में ए या आ में से ही कोई एक वर्ण आएगा और दूसरे पद की शुरुआत में यहाँ या तो आएगा ओ और या क्या आएगा ओ। तो प्रथम पद के अंत वाला और दूसरे पद के प्रारंभिक वाला क्या बनाएगा? ओ, बोलो क्या बनाएगा? ये वाला ओ बनाएगा। हाँ जी, प्रथम पद के अंत में ये दो मात्राएं लगाएंगी, बोलो क्लियर है? हाँ जी, देखिएगा कैसे, जैसे शब्द है हमारा, मान के चलो कि महाधन ओजस्वी, शब्द क्या है कि महाधन ओजस्वी, शब्द है महाधन ओजस्वी। प्यारे प्रतियोगियों, यहाँ हा में से हमने क्या लिया? आ, और यहाँ से हमने क्या लिया? ओ, बोलो क्लियर है? प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक आया है और दूसरे पद की शुरुआत में ये ओ आया है, तो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? ओ, ये वाला ओ बना दिया, बोलो क्या बनाया? ओ। अब इस ओ स्वर को हम कहाँ लगाएंगे? इस ओ स्वर को लगाएंगे जहाँ से हमने ये आ निकाला था। तो आ कहाँ से निकाला था? है से, तो बोलो शब्द क्या बन गया? महोजस्वी, बोलो क्या बना? महोजस्वी, बोलो क्लियर है? शब्द क्या बन गया? महोजस्वी, बोलो क्लियर? हाँ जी, और देखें आप लोग, जैसे शब्द लिख रहा है हमारा कि परमधन, परमधन औदार्य, परमधन औदार्य है, परमधन औदार्य, जी यहाँ से हमने क्या लिया? ए, और यहाँ से हमने क्या लिया? ओ, बोलो इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया? ओ, क्या बनाया? ओ। अब इस ओ को कहाँ लगाएंगे? प्रथम पद के अंत में
और प्रथम पद के अंत में लगाएंगे तो बोलो शब्द क्या बनेगा, परमो दार्य। बोलो क्या बना, परमो दार्य। शब्द और देखें, जैसे शब्द है हमारा विश्व धन एकता, विश्व धन एकता। देखिएगा विश्व के व में किसकी ध्वनि है, ए की, और यहाँ से हमने क्या लिया, ए। इन दोनों ने मिलके क्या बनाया, ए। बोलो भैया क्या बनाया दोनों ने मिलके, ए बनाया। ठीक है जी, हाँ जी। तो शब्द क्या बनेगा, इस ए की मात्रा को कहाँ लगाएंगे, प्रथम पद के अंत में। प्रथम पद का अंत क्या है, वे। तो बोलो शब्द क्या बन गया, विश्वता। बोलो क्या बना, विश्वता। आई बात समझ में। और देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे शब्द है तुम्हारा के प्रिय धन, प्रिय धन एसी। बोलो प्रिय धन एसी। क्या है शब्द, प्रिय धन एसी। प्रिय की ए में किसकी ध्वनि है, ए की, और यहाँ किसकी ध्वनि है, ए की। दोनों ने मिलके क्या बना दिया, ए। अगर हम इसको बनाकर लिखेंगे तो इस ए की मात्रा प्रथम पद के अंत में लगेगी, शब्द क्या बनेगा, प्रियसी। बोलो क्या बनेगा, प्रियसी। क्लियर है। और देखें शब्द एक सा और देख लो आप, जैसे कि शब्द आता है हमारा क्या कि वित्त धनो, वित्त धनो एसणा। बोलो वित्त धनो एसणा, वित्त धनो एसणा। बोलो क्लियर है, वित्त धनो एसणा। हाँ जी। तो यहाँ से हमने क्या लिया, ए, और यहाँ से हमने क्या लिया, ए। दोनों ने मिलके क्या बनाया, ए। हमेशा दीर्घ बनेगी, हमेशा उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। बड़ी ए होगी, बड़ी बड़ा अ होगा। बोलो क्लियर है, डाउट कोई है तो नहीं, बोलो भैया। हाँ जी। तो शब्द क्या बन जाएगा, वित्तैषणा। बोलो क्या बनेगा, वित्तैषणा। मैं मानता हूँ कि वृद्धि स्वर संधि के आप सभी उदाहरणों को जोड़ना सीख गए होंगे। बोलो वृद्धि स्वर संधि को जोड़ना सीख चुके हो क्या, बोलो जी। हाँ जी। आगे समझ में, तो बात हम आगे करते हैं कि वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या होगी, वृद्धि स्वर संधि के शब्दों का हम कैसे तोड़ेंगे, उनका विच्छेद हम कैसे करेंगे। तो देखें वृद्धि स्वर संधि की हम पहचान की बात करें, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि की पहचान की बात करें, वृद्धि स्वर की पहचान। बोलो क्या पहचान, पहचान क्या होगी भैया। देखिए पहचान की हम बात करते हैं तो दो मात्राएं आएंगी, या तो दो मात्राएं ऐसी होंगी कौमा, या दो मात्राएं ऐसी होंगी। ठीक है जी, दो मात्राएं आती हैं। जैसे हम अब देखें पहचान करें, देखो आपने पूर्व में उदाहरणों को देखा होगा, देखिएगा यहाँ देखा आपने दो मात्राएं हैं। बोलो हैं दो मात्रा। हाँ जी। आगे देखो आपने और देखे उदाहरण, ये दो मात्राएं हैं, देखो ये दो मात्राएं हैं, ये दो मात्राएं हैं, ये दो मात्राएं हैं। बोलो क्लियर है, प्रत्येक में दो मात्राएं हैं, और ये फिक्स है कि वृद्धि स्वर संधि में सदैव दो मात्राएं आएंगी। हाँ जी। और अयादि स्वर संधि में आपको बताया था कि अयादि स्वर संधि में ये और वह से पहले ए या आ की ध्वनि आती थी। यण स्वर संधि में आपको बताया था कि ये वह रे से पहले आधा वर्ण आता है। हाँ जी। तो देखिए अब वृद्धि स्वर संधि को हम क्या देखेंगे, वृद्धि स्वर संधि को हम तोड़ना सीखेंगे, उनका विच्छेद करना सीखते हैं। तो सुने, किसी भी शब्द का विच्छेद हमें करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसकी पहचान करनी है। बोलो क्या करनी है, पहचान। उसकी हमें क्या करनी है, पहचान। तो देखिए जैसे शब्द है हमारा, शब्द क्या है कि पुत्रैषणा। बोलो शब्द क्या है, पुत्रैषणा। शब्द है हमारा जनैकता। बोलो क्या है, जनैकता। बोलो क्लियर है। शब्द है हमारा महेश्वर्य
बोलो शब्द क्या है, महेश्वर शब्द है हमारा, जैसे कि स्वैच्छिक, शब्द क्या है स्वैच्छिक, बोलो क्या है स्वैच्छिक, क्लियर है, शब्द है हमारा जैसे कि वनौषधि, बोलो क्या है वनौषधि जी, शब्द क्या है पितैव, बोलो क्या है पितैव, क्लियर है। हाँ जी, शब्द बहुत हैं तोड़ने के लिए, तो सबसे पहले हम इनकी पहचान करेंगे। आपको पता है कि दो मात्राएं, दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं, दो मात्राएं, दो मात्राएं और दो मात्राएं, बोलो क्लियर है। अब बात आती है तोड़ने का नियम, तो तोड़ने का पहला नियम ये आता है, जिस वर्ण पर दो मात्रा लग रही हैं, याद रखना, जिस वर्ण पर दो मात्रा लग रही हैं तोड़ते समय उसी वर्ण में या तो ए आएगा या आ आएगा। अब आएगा कौन, आएगा वह है जो अर्थवान शब्द बनाएगा। हाँ जी, तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा शब्द है, सबसे पहला हमारा शब्द क्या है, बोलो क्या है। हाँ जी, सबसे पहला हमारा शब्द है पुत्रेषणा, बोलो क्या है पुत्रेषणा। देखिए, तो दो मात्रा किस पर हैं, त्रय पर, तो या तो ये बनेगा पुत्रो और या ये बनेगा पुत्रा, बोलो या तो बनेगा पुत्रो और या क्या बनेगा पुत्रा। अब आप हमें ये बताएं कि अर्थवान शब्द पुत्र होता है या पुत्रा, बोलो क्या होता है पुत्र होता है, क्या होता है पुत्र। तो ये हट गया हमारा पुत्रा, चलो साहब पुत्रा को हटा दो जी। चलो आओ, यहाँ है दो मात्रा ऐसी, तो या तो ये ए आएगी, ए से बनेगा एषणा, ए से क्या बनेगा एषणा, और एक ऐसे बनेगा ऐसणा। प्यारे प्रतियोगियों, ऐसणा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है और एषणा अर्थवान शब्द होता है जिसका अर्थ होता है इच्छा, बोलो क्या होता है इच्छा, बोलो आई बात समझ में, इसलिए ये नीचे वाला नहीं होता है जी। तो शब्द क्या बन गया, पुत्र धनो ईषणा, बोलो पहला क्लियर हो गया। हाँ जी, अब वो बात आती है किसकी, अगला शब्द देखो, दो मात्रा किस पर है, ने पर, बोलो किस पर है ने पर, तो वही बात है क्या कि ने पर है, तो या तो इसमें बनेगा ये ने जन बन जाएगा या क्या बनेगा जना, बोलो भैया जन होता है या जना, अर्थवान शब्द क्या होता है जन। और आप निश्चिंत रहिएगा प्यारे प्रतियोगियों, सुपरवाइजर वालों, मैं आपके लिए एक ही बात कह रहा हूँ, जो आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा है ना हिंदी, जो 10वीं क्लास तक आपने हिंदी पढ़ी है, सुनी है, देखी है, लिखी है, वही के शब्द भंडार आते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा आपके सिलेबस में, आपके टॉपिक में, जो आपने कभी सुना ही नहीं हो, ऐसा कोई भी शब्द नहीं आता है। तो बात आती है जन होता है कि जना, जन, तो भैया जना को हटा दो, लगा दो प्लस, दो मात्रा हैं इस पर, या तो ये शब्द बनेगा एकता, बोलो क्या बनेगा एकता, या ये शब्द बनेगा एकता, बोलो क्लियर है, या तो ये बनेगा एकता या क्या बनेगा एकता। अब आप मुझे बताएं कि शब्द एकता होता है या एकता, तो प्यारे मित्रों एकता कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए शुद्ध क्या होगा ये ऊपर वाला, ठीक है जी। तो इसका भी विच्छेद हो गया, ओके। चलो अब नंबर किसका आता है, महेश्वर्य, तो देखिए यहाँ दो मात्राएं हैं पर, है पर दो मात्राएं हैं, तो या तो ये बनेगा महा और या क्या बनेगा मह, मह कोई शब्द नहीं होता, महा का अर्थ महान होता है, बोलो क्लियर है जी। तो ये बन गया महा। यहाँ बात आती है ईश्वर्य की, ऐश्वर्य, एक तो ये शब्द बनेगा ऐश्वर्य इस प्रकार का, और एक शब्द बनेगा ऐश्वर्य इस प्रकार का, बोलो क्लियर है। यहाँ एक दूसरे नियम का भी उदय होता है, उस नियम के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये इस बात के लिए,
कि यहाँ ये शब्द गलत है और ये सही है, ये क्यों सही है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुनो, थोड़ा सा संधि से नहीं भटकना, इस नियम के बारे में समझना। इस शब्द में यह प्रत्यय है, बोलो भैया कौन सा प्रत्यय है? यह मैं आपको बता दूं, प्राय अयादि वो वृद्धि संधि में ये प्रत्यय के दो उदाहरण आएंगे। जरूरी नहीं है कि सदैव दो आएंगे, लेकिन जनरली क्या आते हैं, ये दो ही आएंगे। बोलो क्लियर है? देखो कौन कौन से, एक तो आता है यह और एक आता है एक। बोलो क्लियर है? वैसे अगर मैं परिवर्तन वाले प्रत्ययों की बात करूं, तो परिवर्तन करने वाले जो प्रत्यय होते हैं ये कुल होते हैं सात। बोलो कितने होते हैं? सात। देखो कौन कौन से प्रत्यय होंगे, बात आती है। एक प्रत्यय होगा यह, एक होगा ए, ई, बड़ी ई, एको, एक होता है अयन, आयन। बोलो क्लियर है? एक होता है ए, एक क्या होता है? ए। बोलो क्लियर है? तो देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक सात। बोलो क्लियर है? ये प्रत्यय ऐसे हैं जो शब्द में दो प्रकार का परिवर्तन करते हैं, ये प्रत्यय ऐसे हैं जो दो प्रकार का परिवर्तन करते हैं। बोलो क्लियर है? हाँ जी, समझ में आई बात। ये प्रत्यय ऐसे हैं जो किसी शब्द में जुड़ेंगे तो दो प्रकार का परिवर्तन करते हैं। बोलो क्लियर है? तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होगा। ये प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो दो प्रकार का परिवर्तन करते हैं, ध्यान रखना। एक तो करेंगे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में, भैया ध्यान से सुनेंगे, शब्द के प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन करेंगे, प्रारंभिक वर्ण में। बोलो क्लियर है? प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन, हाँ जी। और दूसरा परिवर्तन करेंगे अंतिम वर्ण में। बोलो कहाँ करेंगे? अंतिम वर्ण में। ये प्रत्यय किसी शब्द में जुड़ेंगे अंतिम वर्ण में, ठीक है जी। उन्हें सुने, ये प्रत्यय आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये प्रत्यय किसी शब्द में जब प्रयुक्त होते हैं। अब प्रत्यय की प्रकृति आप समझते हैं, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के पीछे। बोलो कहाँ जुड़ते हैं? पीछे। तो ये जब जुड़ेंगे तो उस शब्द में दो प्रकार का परिवर्तन करेंगे। शब्द के प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन की जो स्थितियां हैं वो चार हैं। कोई भी शब्द है, चारों में से कोई एक स्थिति लागू होगी, कोई भी शब्द होगा उसमें। यदि इनमें से कोई प्रत्यय लग रहा है तो इन चार कंडीशनों में से हमेशा कोई एक कंडीशन लागू होती है। देखो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है, यदि शब्द के प्रारंभिक वर्ण में ए स्वर हो तो ये प्रारंभिक वर्ण के ए वाले को किस में बदल देते हैं? आ में। यदि शब्द के प्रारंभिक वर्ण में ई हो या बड़ी ई हो या क्या हो, ए, तो ये बदल देते हैं उसे ए में। यदि प्रारंभिक वर्ण में ऊ हो या बड़ा ऊ हो या क्या हो, ओ, तो ये किस में बदल देते हैं उसे, ओ में। यदि प्रारंभिक वर्ण में प्यारे प्रतियोगियों क्या हो, री, तो ये उसे बदल देते हैं किस में, आर में। बोलो क्लियर है? ये परिवर्तन होगा प्रारंभिक वर्ण में। अब बात ये आती है अंतिम वर्ण में, तो अंतिम वर्ण के लिए है, अंतिम वर्ण में से, अंतिम वर्ण में से मूल स्वर को निकाल देते हैं, मूल स्वर को निकाल करो प्रत्यय बैठ जाते हैं, मूल स्वर को निकाल कर प्रत्यय बैठ जाते हैं। बोलो क्लियर है? जो कोई मूल स्वर होगा उसमें, उसको बाहर निकाल देंगे तो ये कौन बैठ जाते हैं? प्रत्यय बैठ जाते हैं। देखिएगा, जैसे शब्द था तुम्हारा, शब्द क्या था? ईश्वर। बोलो क्या था? ईश्वर। ध्यान से समझिएगा भैया जी, आप लोग ध्यान से समझेंगे कि जैसे मूल एक शब्द है तुम्हारा कोई भी, ईश्वर। ईश्वर शब्द में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं? यह प्रत्यय। बोलो कौन सा? यह।
अब परिवर्तन एक तो प्रारंभिक वर्ण में होगा, प्रारंभिक वर्ण कौन है ई, एक अंतिम वर्ण में परिवर्तन होगा और अंतिम वर्ण कौन है रे। बोलो कोई प्रॉब्लम? इन दोनों वर्णों में क्या होगा? परिवर्तन। तो प्रारंभिक वर्ण ई है तो ई को किस में बदलेगा? बोलो ए में, तो ए हो गया। बोलो क्लियर? अब हम आपको बता चुके हैं कि परिवर्तन जो होगा वो प्रारंभिक और अंतिम वर्ण में होगा, बीच में आने वाले वर्णों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई वर्ण आधा लग रहा है तो आधा रहेगा, पूरा है जैसी स्थिति में है वो वैसा ही रहेगा। तो देखो बीच में क्या है? स्वे। बोलो क्या है? स्वे। अंतिम वर्ण कौन है? रे। अंतिम वर्ण में से मूल स्वर को निकाल कर प्रत्यय बैठ जाता है। जब इस रे में से स्वर निकल जाएगा तो रे हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, प्रत्यय आ रहा है पीछे से तो प्रत्यय पे ऊपर बैठ गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्या बन गया? ऐश्वर्य। और देखो शब्द, जैसे मान के चलो शब्द है हमारा, शब्द क्या है? देखो आप, शब्द है क्या? सुंदर है। देखो क्या शब्द है? सुंदर। और सुंदर में हमने क्या जोड़ दिया? ये प्रत्यय जी। तो सुंदर में क्या है? सु। और सु में क्या है? ऊ। तो देखो ऊ को किस में बदलेगा? ओ में। चलो साहब, तो क्या बन गया? सौ। बोलो क्या बना? सौ। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी भैया, बोलो। बीच वाला ने दे आ ही गया, कोई दिक्कत? अंतिम वर्ण है रे, इसमें से स्वर निकल गया, हलंत हो गया तो रे ऊपर चढ़ गया। बोलो क्या बना? सौंदर्य। नहीं आई समझ? जैसे और देख लो, अरे शब्द है मान के चलो तुम्हारा क्या? मधुर। बोलो क्या है? मधुर। और मधुर में हमने जोड़ाई है, बोलो भैया क्या बनेगा? माधुर्य। क्योंकि में ए है और ए को किस में बदल दिया? आ में। तो बोलो शब्द क्या हो गया? माधुर्य। आई बात समझ? अब हम चर्चा कर रहे थे इक की, दो चार उदाहरण इक के भी देख लो आप। वैसे नियम जो है वो यथावत है। देखिए क्या, जैसे मूल शब्द है तुम्हारा इतिहास, बोलो भैया क्या है? इतिहास। और इतिहास में हम जोड़ते हैं एक प्रत्यय, इतिहास में एक जोड़ते हैं तो प्रारंभिक वर्ण कौन है? ई। अरे ई को किस में बदलेगा? ए में। तो बोलो क्या हो गया? ए। टी का टी, हा का हा। अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा अंतर आया है कि जब प्रत्यय स्वर से शुरू होगा तो पहले वाले वर्ण में वो जुड़ जाएगा। इस से में से ए निकल गया, से आधा हो गया, ये तो हमेशा से आधा होता चला ही आ रहा है, लेकिन ये प्रत्यय स्वर से शुरू हो रहा है तो पीछे से जुड़ेगा तो इनको पूरा करेगा ना, तो क्या बन जाएगा? सिक। बोलो क्या बना? सिक। समझ में आ गई? जैसे शब्द था तुम्हारा इच्छा, बोलो क्या है? इच्छा। और इच्छा में हमने क्या जोड़ा भैया? एक। तो देखो ई है, ई को किस में बदलेगा? ए में। कोई दिक्कत? छ और छ। क्लियर है? अब यहाँ ई की मात्रा लगेगी, ई की पीछे से, इसमें से ये स्वर तो निकल गया, ये मात्रा लग गई, तो बोलो क्या बन गया? छिक। नहीं आई समझ में? आ गया। तो ये था, तो इन दो प्रत्ययों को आप लोग ध्यान में रखेंगे, उन्हें मैं आपके लिए बता रहा हूं। अगर किसी शब्द में ये प्रत्यय जुड़ रहे हों तो सदैव वो दीर्घ वर्ण आएगा। बोलो क्या आएगा? दीर्घ। दीर्घ आएगा या तो ये ऐसे दीर्घ आएगा, ऐसे वाला जी, और या ये दीर्घ आएगा ऐसे वाला, सदैव दूसरे पक्ष में ये दीर्घ आएंगे। जैसे अभी एक उदाहरण दिया था आपके लिए, एक उदाहरण दिया था कि परम धनो औदार्य। बोलो दिया था? परम धनो औदार्य। आपको पता होना चाहिए औदार्य शब्द में यह प्रत्यय लग रहा है, यह प्रत्यय होने के कारण ही ये ओ बड़ा आया, ये तो छोटा आ सकता था। डाउट क्लियर हो गया? यण संधि को, वो वृद्धि स्वर संधि को भी आप तोड़ना सीख चुके हो। ठीक है जी, आगे बढ़ूं तो याद रखना, दो शब्द इस वृद्धि स्वर संधि के अपवाद हैं। दो शब्द कैसे हैं? वृद्धि स्वर संधि के अपवाद हैं, उनका ध्यान रखेंगे।
एक शब्द है तुम्हारा आधार धन ओष्ठ। अपवाद शब्दों के बारे में आप समझिएगा, इनको कहते हैं अपवाद। हाँ जी, अपवाद है ये। आधार धन ओष्ठ, यहां से ए लिया, यहां से ओ लिया। अब आपको पता है ए के बाद में ओ आता है तो बड़ा होता है, जबकि बड़ा ना होकर के यहाँ शब्द क्या बनता है, अदरोष्ट। बोलो क्या बनता है, अदरोष्ट। और अदरोष्ट का मीन्स तो आप जानते हो, अरे अदरोष्ट का मतलब होता है नीचे का होंठ। बोलो क्लियर। तो इसी का दूसरा भाई है बिम्बोष्ट। क्या है बिम्बोष्ट? बिम्ब धन ओष्ट जी। तो शब्द क्या बनेगा, वह भी बिम्बोष्ट बनेगा, वहां भी ओ नहीं होगा। बोलो क्लियर है। और बिम्बोष्ट का मतलब होता है ऊपर का होंठ। तो दो शब्द ये हैं एक ही नियम पर, दोनों अपवाद हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे। अगर इसमें संधि का नाम पूछे तो मैं आपको बता दूं, संस्कृत के आधार पर दोनों शब्दों में संधि होती है वृद्धि, लेकिन हिंदी भाषा में ये गुणस्वर संधि के अपवाद, वो वृद्धि स्वर संधि के अपवाद कहे जाते हैं। उन्हें सुने कि इसमें अगर संधि पूछता है कि शब्द में संधि कौन सी है, तो दोस्तों संधि का नाम वृद्धि होगा। बोलो कौन सी होगा, वृद्धि। लेकिन हिंदी भाषा में ये वृद्धि के क्या माने जाते हैं, अपवाद। क्यों माने जाते हैं, क्योंकि वृद्धि का नियम तो लागू हो रहा है लेकिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बोलो क्लियर जी। हाँ जी। तो एक एक शब्द और है, वो शब्द क्या है, शुद्ध प्लस ओदन। शुद्ध प्लस ओदन। बोलो क्लियर है। तो देखो ये ए के बाद में ओ है, तो नियम तो ये कहता है कि ये क्या होना चाहिए था, ओ। बोलो क्या होना चाहिए था, ओ। जबकि ओ ना हो करके शब्द क्या होता है, ओ। तो बोलो अपवाद हुआ कि नहीं हुआ। जो नियम का खंडन करता है उसी को तो अपवाद कहते हैं। तो मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि वृद्धि स्वर संधि को भी आप भली भांति जान चुके हैं। बोलो भैया कंप्लीट है जी। वृद्धि स्वर संधि को आपने जोड़ना समझ लिया, इसको आपने तोड़ना समझ लिया, अलग करना समझ लिया, इसकी पहचान समझ ली। अब हम चर्चा करते हैं अगली संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वरो संधि। बोलो क्लियर है। हाँ जी। देखिएगा इसमें क्या आएगा, इसकी तीन स्थितियां हैं। बोलो भैया कितनी स्थिति हैं इसकी, तीन। गुणस्वर संधि में तीन स्थिति क्या हैं? पहली है कि प्रथम पद के अंत में इन दोनों में से कोई एक आता है और दूसरे पद की शुरुआत में ई या बड़ी ई आएगी, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है कि ए या आ में से ही कोई एक आएगा और दूसरे पद की शुरुआत में ऊ या क्या आएगा, बड़ा ऊ। तीसरी स्थिति है जी कि ए या आ में से ही कोई एक वर्ण आएगा, उसके बाद में क्या आएगी, री। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर। बोलो क्या बनाएंगे, अर। ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे प्यारे प्रतियोगियों, ओ। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ए। कहने का मतलब है प्रथम पद के अंत में ऐसी मात्रा लगेगी, कहने का मतलब है प्रथम पद के अंत में ऐसी मात्रा लगेगी, कहने का मतलब है जो री के बाद में जो वर्ण आएगा उसके ऊपर ये रे चढ़ जाएगा, ऊपर ये रे चढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है। देखो हम उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। जैसे शब्द है हमारा कि राम धनो ईश। राम धनो ईश। राम के मे में किसकी ध्वनि है, ए की, और यहाँ कौन है, ई। दोनों ने मिलके क्या बना दिया, ए। बोलो क्या बनाया, ए। यहाँ से मे में से हमने ए लिया, यहाँ से हमने ई ले ली,
बोलो ये स्थिति आई या नहीं आई, तो क्या बन गया ए। ए का मतलब है एक मात्रा, एक मात्रा को कहाँ लगाएंगे जहाँ से ए आया था, तो बोलो शब्द क्या बना रामेश। राम के जो ईश हैं, राम के जो ईश हैं वो क्या क्या होंगे रामेश। रमेश नहीं बनेगा सर, रटा रटाया जवाब आप देने का प्रयास ना करें, रमेश नहीं बनेगा। देखो रमेश को बता देता हूँ, ये रमेश बनेगा गुरुजी रमाधन ईश से। बोलो क्या बनेगा रमाधन ईश से। रमा माने लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी के स्वामी है रमेश। आधन ई बराबर क्या बनेगा एक। बोलो क्या बन जाएगा आवो रमेश। आ गई बात समझ में। तो रमेश और रामेश दोनों में अंतर है भैया, बोलो है कि नहीं। रामधन ई से रामेश बन गया और रमाधन ई से रमेश बन गया। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करिएगा, जैसे शब्द है तुम्हारा इतर प्लस इतर। अरे इतर प्लस इतर, तो यहाँ रह में से क्या लिया ए और यहाँ से हमने क्या लिया ई, दोनों ने मिलके क्या बनाया ई। तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा इतरे तर। बोलो क्या बनेगा इतरे तर। बोलो क्लियर है, शब्द क्या बन जाएगा इतरे तर। बोलो भैया क्या बनेगा इतरे तर। हाँ जी हाँ जी, तो इतरेतर बन गया जी, ये शब्द क्या बन गया इतरेतर। और देखिएगा उदाहरणों पर आप बात करते हो, जैसे ये शब्द है तुम्हारा सौर प्लस इंद्र। अरे सौर प्लस इंद्र, यहाँ से एलिया यहाँ से ईली दोनों ने मिलके क्या बनाया ए। बोलो शब्द क्या बन गया सुरेंद्र। बोलो भैया क्या बना सुरेंद्र। मैं मानता हूँ कि ई के उदाहरण बहुत हो गए, उदाहरण हमने रटने नहीं हैं। व्याकरण जो विषय होता है ये समझने का विषय है, क्लियर है ना, रटने नहीं है। आगे देखो शब्द है जैसे सै प्लस उल्लास, सै प्लस उल्लास, यहाँ से क्या लिया ए और यहाँ से क्या लिया उ, दोनों ने मिलके क्या बनाया भैया ओ। बोलो क्या बनाया ओ। बोलो शब्द क्या हो गया सोल्लास, क्या हो गया सोल्लास। बोलो समझ में आई बात, शब्द क्या हो गया सोल्लास। सहमे से ए लिया यहाँ से ऊ लिया, ए और ऊ दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं ओ। बोलो क्या बनाते हैं ओ, तो क्या हो गया सोल्लास का अर्थ होता है उल्लास के साथ, उल्लास के साथ जी। शब्द लिख रहा है तुम्हारा कि भाग्य, भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय, यहाँ से हमने क्या लिया ए और यहाँ से हमने क्या लिया उ, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया भैया ओ। बोलो क्लियर है, यहाँ से ए लिया यहाँ से ऊ लिया दोनों ने मिलके क्या बना दिया ओ। ओ का मतलब था ऐसी मात्रा, अब ऐसी मात्रा को कहाँ लगाएंगे जहाँ से ये ए निकाला था। ए कहाँ से निकाला था हमने यह से, तो इसी में लगा दो मात्रा। बोलो क्या बनेगा भाग्योदय। बोलो क्या बना भाग्योदय। और देखिएगा शब्द है जैसे जलधन ऊष्मा, क्या है शब्द जलधन ऊष्मा, यहाँ से क्या लिया ए और यहाँ से हमने क्या लिया ऊ, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया ओ। ओ का मतलब एक मात्रा। बोलो शब्द क्या बन गया जलोष्मा। बोलो क्या बना जलोष्मा। क्लियर है, अपना चीज क्लियर है यहाँ तक। और देखिएगा, और देखो इसके उदाहरण और देख लो, जैसे शब्द है तुम्हारा कि कठ धनो उपनिषद। बहुत अच्छा उदाहरण है, कई बार आया है ये कठ धनो उपनिषद। यहाँ से ए लिया
और यहाँ से आपने क्या लिया उ, दोनों ने मिलकर के बोलो क्या बनाया ओ, क्लियर है। तो अगर इसको मिलाकर के लिखूं तो शब्द क्या बना, कठोपो कठोपो निषद, कठोपो निषद, क्लियर है। कठदन उपनिषद से बोलो क्या बन गया, कठोपो निषद। अरे शब्द है जैसे सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, बोलो क्या हो जाएगा, ए में क्या लिया हमने उ, क्या बनाया दोनों ने मिलकर के ओ, बोलो शब्द क्या बना भैया, सूर्योदय, सूर्योदय। नहीं आई बात समझ में, आगे क्या, तो ए के उदाहरण आपने पढ़े थे, ए के बाद में ई आती है तो ए बन जाता है, ए या आ के बाद में उ आता है तो ओ बनता है। अब हम देखते हैं उदाहरण री के, बोलो किसके देखने हैं, री के। आपको पता है ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में अगर क्या आती है, री। अब री का भी मैं आपको प्रश्न कर दूं, देखो हिंदी भाषा में री कोई बड़ी नहीं होती है, हिंदी में तो री छोटी होती है, कैसी होती है, छोटी। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे भैया, अर, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, अर। जैसे शब्द है तुम्हारा ग्रीष्मो, ग्रीष्मो धनो ऋतु, ग्रीष्म धनो ऋतु, ग्रीष्म के मैमे से हमने क्या लिया ए, और यहाँ से हमने क्या ले ली, री। बोलो क्लियर है, बोलो क्या ली, री। हाँ जी, यहाँ से हमने री ले ली, इन दोनों ने मिलकर के क्या बना दिया भैया, इन दोनों ने मिलकर के बोलो क्या बनाया, अर। बोलो दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, अर। आई बात समझ में, दोनों ने मिलकर के अर बना दिया। डोंट वरी, यहाँ तक आइएगा, ग्री का ग्री, ये से निकल, से तो आधा ही है पहले से, अब ये ए निकल गया मैं से, तो मैं कैसा हो गया, आधा। इन दोनों के स्थान पर क्या आया, अर। बोलो क्या आया, अर। ऊपर क्या शेष है, तू, बोलो क्या शेष है, तू। यहाँ तक कोई डाउट, प्यारे मित्रों देखें, ग्री का ग्री, से का से, इस मैं में ये ए मिल गया तो मैं पूरा हो गया, ये रे का रे और तू का तू। आपको पता है आधे रे का ऐसा रूप नहीं होता है, आधे रे का जब ऐसा रूप नहीं होता है तो ये आधा रे अगले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। बोलो क्लियर है जी। तो ये शब्द क्या बना, बोलो क्या बना, ग्रीष्मर तू, बोलो क्या बना, ग्रीष्मर तू, बोलो क्लियर। और देखो उदाहरण, जैसे और हम बात करते हैं, शब्द है तुम्हारा भरत धनो ऋषभो, भरत धनो ऋषभो, यहाँ से हमने क्या लिया ए, और यहाँ से हमने क्या ली, ली, दोनों ने मिलकर के बोलो क्या बनाया, अर। कहने का मतलब ये हुआ, दूसरे पद में जब री आती है तो री के तुरंत बाद में जो कोई वर्ण आएगा उसी वर्ण के ऊपर आपको क्या बिठाना है, रे। बोलो क्या बिठाना है, रे। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, एक बार और देख लो, इन दोनों ने मिलकर के अर, यहाँ से तैमे से ये ए निकल गया, हलंत हो गया, इनके स्थान पर क्या आ गया, अर। ऊपर क्या है, सब, ठीक है जी। हमने मिलाकर के लिखा, तय हो गया पूरा ए के मिलने से, रे इसके ऊपर चढ़ गया, भरतर सब, बोलो क्लियर है, भरत सब, समझ आ गई। हाँ जी, और देखिएगा, शब्द है जैसे महाधन, महाधन रिद्धि, महाधन रिद्धि, महाधन रिद्धि, यहाँ से लिया आ, यहाँ से लई री, दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, अर। अगर हमने इसको मिलाया यहाँ यूं,
यहाँ से अर आया, ऊपर से ये आई, जी मिलाकर के हमने लिख दिया भैया, बोलो क्या बना, मेहर दी, मेहर दी। बोलो क्लियर है, आई बात समझ में? मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि आपके समझ में घुड़स्वर संधि को जोड़ना आ गया होगा। बोलो किसी के लिए कोई दिक्कत? हाँ जी, घुड़स्वर संधि अपनी क्लियर हो जाती है। अब हम घुड़स्वर संधि को पहचान करेंगे, ठीक सुने ध्यान से। घुड़स्वर संधि की पहचान क्या है? देखो भैया, पहचान की हम बात करते हैं, घुड़स्वर संधि की पहचान, घुड़स्वर संधि की पहचान। तो देखिए क्या पहचान होगी इसकी, घुड़स्वर संधि की पहचान, घुड़स्वर की पहचान होगी इसकी, एक मात्रा आएगी ऐसी, एक मात्रा आएगी ऐसी। बोलो क्लियर है, और अंतिम वर्ण के ऊपर रह चढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है जी। जब जिस वर्ण के ऊपर रह चढ़ा हुआ मिलेगा तो हम उसको पढ़ेंगे ना शब्द को, तो वो रे पढ़ते समय री की ध्वनि देगा। किसकी ध्वनि देगा? री की। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे शब्द लिख रहा है तुम्हारा, रे चढ़ रहा है ऊपर, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको? महर्षि। बोलो क्या पढ़ रहे हैं? महर्षि, रे चढ़ रहा है ऊपर, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? री की, ठीक है ना। तो देखो अब ये रे जो चढ़ रहा है, रे को हम नीचे किस में लाएंगे? री में। तो क्या हो जाएगा? री में लाएंगे तो ऋषि। बोलो किस में लाएंगे? ऋषि। इससे पहले क्या है और है में बनाएंगे, एक तो बनेगा मैं और एक बनेगा महा। आप मुझे ये बताएं, अर्थवान शब्द मह होता है कि महा? पूर्व की हम संधि में भी जान चुके हैं कि मह नहीं होता, क्या होता है? महा, महा होता है भैया। तो देखिए यहाँ क्या आएगा फिर? महा। यहाँ क्या आएगा? महा। बोलो आई बात समझ में? अरे आई क्या, क्लियर है। और देखो शब्द, जैसे शब्द दिखाई दे रहा है, मान के चलो आपको कि शब्द लिख रहा है तुम्हारा साहित्योदय, 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 तो ओ की मात्रा है। अरे आपको बताया था ओ है, अब ओ की मात्रा किस पर है? ये पे। तो या तो इसमें आएगा ए तो बनेगा साहित्य, या ये क्या आएगा? साहित्या, साहित्या। विद्वानों अब आप बताइएगा, साहित्य होता है कि साहित्या? क्या होता है साहित्य? तो ये नीचे वाला हटाओ। चलो सर, बात आती है ओ की मात्रा है। अरे ओ कब आता है? जब दूसरे पद की शुरुआत में या तो छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, तभी तो ओ आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है जी। तो अगर ऊ आएगा तो बनेगा ओ दय, ओ दय, देखो उदय। अगर तुमने बड़ा ऊ लगाया तो शब्द क्या बनेगा? उदय। अब आप बताओ शब्द उदय होता है या उदय? उदय होता है भैया, हटा दूं इसको। बोलो क्लियर है शब्द। और देखो आप, जैसे शब्द दिखाई दे रहा है, मान के चलो क्या है तुम्हारा, जैसे बोलो शब्द है तुम्हारा जलोर जा, जलोर जा। बोलो क्लियर है, शब्द क्या लग रहा है? जलोर जा। तो इसका विच्छेद क्या होगा? जलधन, जलधन ऊर्जा, जलधन ऊर्जा। बोलो क्लियर है, बोलो शब्द क्या बनेगा? जलधन ऊर्जा। क्या बन गया? जल ऊर्जा, जल की ऊर्जा। हाँ जी, जैसे शब्द है तुम्हारा, और देखिएगा क्या मैं ये कहूँ, जैसे महेश्वर। बोलो क्या लिख रहा है? महेश्वर। बोलो क्या लिख रहा है शब्द? महेश्वर। क्या? महेश्वर। तो इसका विच्छेद हम क्या करेंगे? महाधन, महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर। क्योंकि यहाँ है एप एक की मात्रा है, तो विच्छेद करते समय या तो आ आएगा या ई, तो क्या बनेगा? आ। अब यहाँ है ए, तो या तो छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा। छोटी से करेंगे तो ईश्वर बनेगा, बड़ी से करेंगे ईश्वर। बोलो क्लियर है।
बोलो भैया, अब आप सीख गए होंगे इसको जोड़ना। तो अब मैं आपके लिए गुणस्वर संधि का अपवाद बता रहा हूँ। गुणस्वर संधि का क्या बता रहे हैं? अपवाद। देखिए सुनिएगा, गुणस्वर संधि के अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद हैं, परीक्षा में बहुत बार आए हैं, आते रहते हैं। गुणस्वर संधि के अपवाद, गुणस्वर संधि के क्या अपवाद, इसके अपवाद क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला अपवाद है अक्षु प्लस ऊहिनी। प्यारे प्रतियोगियों, अक्षु प्लस ऊहिनी होगा, यदि ये ऊहिनी नहीं होगा तो क्या होगा? ऊहिणी। बोलो क्या होगा? ऊहिणी होगा, याद रखना। अक्ष प्लस ऊहिणी होगा ना कि ऊहिणी। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो ऊहिणी होगा, क्योंकि मूल जो स्रोत में है संस्कृत के आधार पर जो है वहां ऊहिणी का उल्लेख नहीं है। क्या है? ऊहिणी। यहां से ए लिया और यहां से क्या लिया? ऊ। बोलो क्लियर है? यहां से ए और यहां से क्या लिया? ऊ। नियम तुम्हारा ये कहता है कि क्या बनेगा? ओ। बोलो क्या बनेगा? ऊ। जबकि शब्द क्या बनता है मित्रों? ओ। क्या बनता है? अक्षौ हिणी। बोलो क्या बनता है? अक्षौ हिणी। इसलिए ये अपवाद हुआ। क्लियर है? आई बात समझ में? जी। अब इसमें संधि का नाम पूछेगा, बृद्धि स्वर संधि है संस्कृत के आधार पर, बृद्धि स्वर संधि है। हिंदी में ये गुण स्वर संधि का अपवाद है। ठीक है जी। हाँ जी, दूसरा अपवाद क्या है? दूसरा अपवाद है, हाँ, अक्षौहिणी। आप अक्षौहिणी के बारे में आप जानते ही हो। अक्षौहिणी सेना होती है, सेना के चार अंग होते हैं। इस अक्षौहिणी सेना में कुल 2,18,700 होते हैं। इस सेना में 21,870 हाथी होते हैं। इसी सेना में 21,870 रथ होते हैं। इस सेना में 65,610 अश्व होते हैं, घोड़े। और इस सेना में 109,350 होते हैं, पैदल। बोलो क्लियर है? कुल मिलाकर अगर हम इसका जोड़ बिठाते हैं तो 2,18,700 आता है। बोलो क्लियर है? आई बात समझ में भैया? यहां तक चीज क्लियर? अगला देखो अपवाद क्या है। प्रस्थ धन ऊहू। तो बोलो प्रस्थ धन ऊ से आपका नियम ये कहता है कि शब्द बनना चाहिए था प्रस्तो हो, जबकि प्रस्तो नहीं बनता। शब्द क्या बनता है? प्रस्त हो। बोलो क्या बनता है? प्रस्त हो। बोलो कोई प्रॉब्लम? शब्द क्या बना? प्रस्त हो। क्लियर है? शब्द क्या बना? प्रस्तो। नियम ये कहता है कि ये ओ होना चाहिए था, जबकि हुआ क्या है? ओ। तो दो शब्द ये अपवाद हैं। अगला देखें, अगला शब्द क्या है? इसके 8-7 शब्द अपवाद हैं। 8-7 शब्द हैं इसके अपवाद, आप देखिएगा उनको बहुत गौर से। एक शब्द है तुम्हारा स्वय प्लस ईर। क्या है? स्वय प्लस ईर। एक शब्द है स्वय प्लस ईर। प्यारे मित्रों ध्यान रखें, तो शब्द क्या बनेगा? स्वैर। बोलो क्या बनेगा? स्वैर। आपके नियम के मुताबिक शब्द बनना चाहिए था स्वेर। क्या बनना चाहिए था? स्वेर, जबकि ये गलत है क्योंकि ये अपवाद है। क्लियर है जी? और अपवाद क्या होते हैं? जो नियम का खंडन करते हैं। खंडन कर रहे हैं। अब अगला शब्द क्या है? एक शब्द आता है स्वे प्लस ईरणी। बोलो क्या आता है? ईरणी। तो शब्द क्या बनेगा? स्वैरणी। हाँ जी, आपको पता है ए के बाद में ई है, तो ए होना चाहिए था, जबकि क्या हुआ है? ए। विशेष ध्यान रखेंगे, ये कई बार परीक्षा में आए हैं, ध्यान रखना। आपसे परीक्षा में कैसे पूछेगा? आपसे शब्दों को जुड़वाएगा। परीक्षा में ऐसे देगा कि स्वय प्लस ईरणी से शब्द क्या बनेगा। आप लोग इसमें गुणस्वर संधि लगाएंगे और एक मात्रा करेंगे, ठीक है भैया? इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्या है? उसके बाद में क्या है? एक शब्द आता है तुम्हारा प्रय प्लस ऊढ़। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बच्चा बहुत प्रश्न करता रहता है। प्रय प्लस ऊढ़, तो
तो क्या बनेगा? प्रौढ़। अरे बोलो क्या बनेगा? प्रौढ़। आई बात समझ में? अब दो शब्द और रह गए। देखो दो शब्द कौन कौन से हैं, देखिए। हाँ जी, शब्द क्या है कि एक शब्द है हमारा सोखो प्लस ऋतु। अरे क्या है? सोखो प्लस ऋतु। हाँ जी, शब्द है ऋतु। अब आपको पता है, आपको पता है सुख प्लस ऋतु एक ही बाद में री आ गया। अरे एक ही बाद में री आ गया है तो क्या होगा? अर। बोलो क्या होगा? अर। जी, जो अर होगा तो तुम्हारा शब्द क्या बनेगा? सुखर्थ। बोलो भैया क्या बनेगा? सुखर्थ। जबकि सुखर्थ कोई शब्द नहीं होता, नहीं होता है तो वास्तव में शब्द क्या बनेगा? सुखार्थ। तो बोलो अपवाद हुआ या नहीं हुआ? बोलो क्लियर है? ये अपना है। अंतिम शब्द है, एक शब्द और है जो है क्या? दसार्ण। दस धनो ऋण, दस धनो ऋण। तो बोलो शब्द क्या बना? दसार्ण। जबकि बनना क्या चाहिए था? अर। जबकि बना क्या है? आर। बोलो क्लियर है? मैं समझता हूँ गुणस्वर संधि को भी आप जान चुके होंगे। गुणस्वर संधि को आपने जोड़ना समझ लिया, गुणस्वर संधि को आपने अलग करना समझ लिया, गुणस्वर संधि के आपने अपवाद समझ लिए। बोलो क्लियर है? बोलो भैया। तो आज के लिए धन्यवाद।